कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जनजातीय युवा गृह, जनजातियों के पेय पदार्थ और स्थानांतरित कृषि के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनजातियों के युवा गृह से। तो युवा गृह मतलब क्या? युवाओं का गृह। अब ये युवा कौन से होते हैं? तो ये युवा अविवाहित युवा होते हैं, ठीक है। ये एक सामाजिक संगठन होता है। किसका संगठन होता है? युवाओं का संगठन होता है, ठीक है। तो ये जो युवा गृह होता है वो गांव के बीच में एक पृथक मकान होता है जहां पर अविवाहित लड़के एवं लड़कियों को सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं, कला एवं संस्कृति और अन्य प्रकार के कर्तव्यों की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि ये क्या है? एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था है जहाँ पर अविवाहित युवक एवं युवतियों को क्या किया जाता है कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से सिंचित किया जाता है। यह एक समाजवादी व्यवस्था का प्रतीक है। समाजवादी व्यवस्था का प्रतीक का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो भी युवक और युवती होते हैं, मतलब युवा गृह के जो सदस्य होते हैं, वो सामूहिक रूप से कार्य करते हैं जिससे उनके मध्य क्या होता है? पारस्परिक स्नेह, सद्भावना और एकता की भावना का प्रोत्साहन होता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक समाजवादी संस्था है जहाँ पर ये लोग सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं समन्वयकारी संस्था। समन्वयकारी संस्था का मतलब क्या होता है कि ये जो युवा गृह है यहाँ पर श्रम, अनुशासन और मनोरंजन का समन्वय होता है, ठीक है। श्रम का मतलब कि श्रम करना सिखाया जाता है। चूंकि ये युवा गृह है तो यहाँ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सरल होते हैं, लेकिन उन्हें मानना जो होता है वो क्या होता है? जरूरी होता है। अर्थात यहाँ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनके जो मेंबर होते हैं उसे क्या करते हैं? उसे फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनोरंजन की। मनोरंजन की बात करें तो युवा गृह में प्रत्येक रात्रि को नृत्य, गान, वादन, चित्रकला, खेलकूद, ये सारे मनोरंजन के कार्य किए जाते हैं। कहाँ? युवा गृह में। तो इस प्रकार से आप युवा गृह को डिफाइन कर सकते हो, युवा गृह की विशेषताएं बता सकते हो कि ये क्या होता है। यह एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था होता है। ये एक सामाजिक संगठन होता है। ये एक्चुअली क्या होता है? ये गांव में एक बीच में एक मकान होता है जहाँ पर अविवाहित युवक एवं युवतियाँ संगठित रूप से रहती है, सामूहिक रूप से कार्य करती हैं और उनको किसकी शिक्षा दी जाती है? सामाजिक रीति रिवाजों की, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की और अन्य कर्तव्यों की शिक्षा दी जाती है, ठीक। अब ये ज़रूरी क्यों है? ये भी इम्पॉर्टेंट है ना कि ये ज़रूरी क्यों है, क्यों इनको इस युवा गृह में शिक्षा दी जाती है? ताकि ये अपने समाज की संस्कृति से परिचित हो सकें और अपने संस्कृति के हिसाब से उनका मानसिक विकास हो सके, ठीक। चूँकि आप लोग को पता है कि जनजातियों की संस्कृति जो होती है पुरातन चली आ रही है और उन्हें आज भी वो जिंदा है। क्यों? इन युवा गृहों की वजह से, ठीक है। तो यहाँ उनके संस्कृति की, स्पेशली उनके संस्कृति की शिक्षा दी जाती है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि युवा गृह शब्द कहाँ से आया। तो ये जो युवा गृह है ये अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसे जर्मनी में क्या कहा जाता है? जुगलिंग्स हाउस कहा जाता है, ठीक है। इसे हम ये समझ सकते हैं कि ये भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जनजातियों की ऐसी संस्था है जहाँ जनजातियों को उनकी संस्कृति की, उनके समाज की शिक्षा दी जाती है और उन्हें अन्य बातों से दीक्षित किया जाता है, ठीक। अब देखिए हम युवा गृह के शब्द की बात कर रहे हैं तो चूंकि क्षेत्र अलग अलग हैं, लोग अलग अलग हैं, सबके समाज अलग अलग हैं और उनकी भाषा और बोली अलग अलग है, ठीक है। तो चूंकि बोलियों में विविधता है, जगह अलग अलग है और बोलियों में विविधता है, इसकी वजह से इस युवा गृह को अलग अलग जगह में, अलग अलग समाज में, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि मुरिया जनजाति के लोग इस युवा गृह को क्या कहते हैं? घोटुल कहते हैं। उसी प्रकार उराव जनजाति के लोग क्या कहते हैं? धुमकुरिया कहते हैं। तो इनकी बोली में विविधता के कारण ऐसा हुआ कि ये युवा गृह को अलग अलग जनजातियों के लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट जनजातियां हैं उन लोग इस युवा गृह को किस किस नाम से जानते हैं। तो देखिए मुरिया जनजाति के लोग क्या कहते हैं? इसे घोटुल कहते हैं। उराव जनजाति के लोग धुमकुरिया कहते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग गीतुओना कहते हैं। भारिया जनजाति के लोग रंगबंग कहते हैं। भुईया जनजाति के लोग घसरवासा कहते हैं और परजा जनजाति के लोग भागा बक्सर कहते हैं, ठीक है। अब सीजीपीएससी में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो यदि मैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं
तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक तरफ युवा गृह की सूची हो और एक तरफ जनजातियों की सूची हो और आपको उसे सुमेलित करने के लिए कह दें, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि घोटुल जो है कौन सी जनजाति का युवा गृह है। आपको चार ऑप्शन दिए गए होंगे जनजातियों के और आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मेंस के हिसाब से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो मेंस के हिसाब से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक आपको स्टेटमेंट दे सकता है जैसे कि जनजातीय संस्कृतियों की प्राचीनता और मौलिक संस्थाएं उनकी विशेषता है, समझाइए। तो आप कैसे समझाएंगे, आप उसे युवा ग्रीक से रिलेट करके समझा सकते हैं जिनमें, क्योंकि जनजातियों की जो प्रमुख संस्था है वो कौन सी है, युवा ग्रीक है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि जनजातीय जीवन में युवा गृह का क्या महत्व है, ठीक है। इस प्रकार ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। आप युवा गृह से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इतना कंटेंट सफिशियंट है युवा गृह को लिखने के लिए, ठीक। क्योंकि जब मैं मुरिया जनजाति को समझा रही थी और उराव जनजाति के बारे में बात कर रही थी तब मैंने उनके युवा गृह के बारे में भी आप लोग को बताया था, मैंने घोटुल को एक्सप्लेन किया था और मैंने धुमकुरिया को एक्सप्लेन किया था। तो वो जो चर्चाएं हैं, वो जो एक्सप्लेनेशन है, वो उस वीडियो में मिलेगा जहां पर मैं उन जनजातियों को एक्सप्लेन की हूँ। तो यहाँ पर मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगी, मैं अभी बात की हूँ युवा गृह के बारे में। इन युवा गृहों का उद्देश्य क्या होता है, तो इनका जो उद्देश्य होता है वो है सामाजिक शिक्षा देना, अर्थात इन्हें हर तरह से, हर प्रकार से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से क्या करना, शिक्षित करना, ठीक है। नेक्स्ट है सेवा भाव की भावना जागृत करना, अर्थात इनके मन में क्या होना चाहिए, त्याग और सेवा भाव की भावना होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है जीवन साथी चुनाव में सहायक। क्या होता है कि यहाँ पर युवा रहते हैं, युवा लड़का और लड़की दोनों रहते हैं, तो जब भी अविवाहित युवा और युवती एक साथ रहेंगे तो उनके मन में प्रेम भावना आएंगी। तो इस युवा गृह में ऐसा होता है, चाहे वो आप घोटुल की बात करें, चाहे वो आप धुमकुरिया की बात करें, तो युवा गृह में जब भी कोई लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनके जो मुखिया होते हैं युवा गृह के, उनके द्वारा उनका विवाह करा दिया जाता है और उसके बाद उस संस्था से, उस युवा गृह से उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये युवा गृह एक और काम क्या करता है, जीवन साथी चुनने में सहायक होता है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जनजातियों के पेय पदार्थ के बारे में। जनजाति पेय पदार्थ, जो आदिवासी संस्कृति होती है उनकी संस्कृति में वृक्षों का रस जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी संस्कार हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो उसमें वृक्षों का रस या तो महुआ का शराब अर्पित किया जाता है। वृक्ष का रस या महुए के शराब को अर्पित किए बिना इनका कोई भी संस्कार पूरा नहीं होता है, ठीक है। इनके जो पेय पदार्थ होते हैं वो वहाँ के स्थानीय वन्य उत्पादों से बने होते हैं और इन पेय पदार्थों का वो उपभोग जो है वो कब करते हैं, विशेष त्योहारों में करते हैं या आयोजन में करते हैं, ठीक है। लेकिन इनके इनके आर्थिक जीवन में इन पेय पदार्थों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये इनका व्यवसाय भी करते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि जितनी भी जनजातियां हैं उनके प्रिय पेय पदार्थ कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोंड जनजाति की। तो गोंड जनजाति का जो पेय पदार्थ है वो क्या है, पेज। अब ये पेज बनता किससे है, तो पेज जो है वो चावल से बना होता है। चावल को पका के उसे थोड़े दिन तक रखा जाता है, फिर उसका जो पानी होता है उससे क्या बनता है, पेज बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैगा जनजाति का। तो बैगा जनजाति का जो प्रिय पेय पदार्थ है वो क्या है, ताड़ी। ताड़ी जो होता है वो ताड़ के वृक्ष का रस होता है। ये जो रस होता है वो ताड़ के वृक्ष के जो फूल का जो डंठल होता है उससे निकलता है। बैगा जनजाति के लोग निवास कहाँ करते हैं, तो ये लोग निवास करते हैं मैकल रेंज में। तो मैकल रेंज में जहाँ ये लोग निवास करते हैं वहाँ ताड़ का वृक्ष पाया जाता है और वहाँ से ये लोग क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं और उनका व्यवसाय करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुरिया और माड़िया जनजाति की। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जो माड़िया जनजाति का जो प्रिय पेय पदार्थ है वो है सल्फी। सल्फी जो होता है वो एक प्रकार का वृक्ष होता है। वो ताड़ की कुल का एक पुष्पधारी वृक्ष होता है जिसके फूल के नीचे का जो डंठल होता है वहाँ से क्या निकलता है, रस निकलता है। एक दिन में एक सल्फी का पेड़ करीबन 20 लीटर तक का रस देता है। ये जो रस होता है जब ये फ्रेश होता है तो शरीर के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, लेकिन जैसे जैसे ये इसका टाइम बीतता जाता है इसमें खामी रूठने लगता है और इसमें नशा होता है, ठीक है। सल्फी जो पेय पदार्थ है इसे बस्तर या बियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बस्तर या बियर, या बस्तर का बियर, बस्तर बियर कहा जाता है।
ठीक है। बस्तानार, जो बस्तानार इलाका है वहां इसे क्या कहा जाता है, आकाश जल कहा जाता है। गोंडी बोली में इस वृक्ष को गोरगा कहा जाता है। ठीक, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है, कैरियोटा यूरेन्स। ठीक, तो क्या समझा आप लोगों ने, ये जो पेय पदार्थ होता है वो ताड़ के वृक्ष का जो फूल का डंठल होता है वहां से निकलता है। एक दिन में ये 20 लीटर तक का रस देता है। स्टार्टिंग में ये शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है जब तक ये फ्रेश होता है। जब समय बीतता जाता है तो इसमें क्या होता है, नशा इसमें आने लगता है और लोग इसे शराब की तरह यूज़ करते हैं, बियर की तरह यूज़ करते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बस्तरिया बियर। बस्तरिया बियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो माड़िया जनजाति के लोग हैं ये निवास कहाँ करते हैं, बस्तर में निवास करते हैं, और इस प्रकार का जो पेड़ है वो वहाँ ज़्यादा मिलता है और वहाँ से इन लोग ये रस निकालने का कार्य करते हैं। जब इनके घर में विवाह होता है, इनके समाज में विवाह होता है, तो वधूमूल्य के रूप में भी इसे दिया जाता है, इसका व्यवसाय भी किया जाता है, इनकी हर संस्कृति में हर परंपरा में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरवा जनजाति की। तो कोरवा जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है हंडिया शराब। देखिए, ये चावल का बना होता है, क्या करते हैं, चावल को पका दिया जाता है, फिर उसे फिर ठंडा किया जाता है। चावल को पका के उसके पानी को अलग करके उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद उसे एक कंटेनर में रखा जाता है और 3-4 दिन तक उसे सड़ाया जाता है। सड़ाया जाता है इन द सेंस 3-4 दिन तक वो वैसा ही रहता है, उसके बाद उसमें पानी मिलाया जाता है। वो जो पानी होता है, वो जो जल होता है, वही क्या होता है, आपका हांडिया शराब होता है। ठीक है, तो ऐसे ये शराब बनता है। और क्योंकि कोरवा जनजाति के लोग नॉर्दर्न एरिया में रहते हैं, उत्तरी क्षेत्र में रहते हैं छत्तीसगढ़ के, तो ये जो पेय पदार्थ है ये कहाँ मिलता है, सरगुजा, जशपुर, कोरबा, इन सारे क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उराव जनजाति का। तो उराव जनजाति का जो प्रिय पेय पदार्थ है वो क्या है, कोसमा है। और अबू समाज जनजाति का क्या है, छिंद रस है। जो छिंद रस है वो छिंद के वृक्ष से निकलता है, वो रस जो इनका पेय पदार्थ है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं जनजातियों में स्थानांतरित कृषि के बारे में। जनजातियों में स्थानांतरित कृषि, तो देखिए स्थानांतरित कृषि से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कृषि क्या होता है। तो पहले क्या था कि जो भी प्राचीन समय में जो जनजातियाँ थी वो क्या करती थी, अपने जीविकोपार्जन के लिए शिकार करती थी, वनोपज संग्रहण करती थी और अपना जीविकोपार्जन करती थी। पहले मनुष्य कैसा था, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, तो वो क्या करता था कि जहाँ वो जा रहा है, जहाँ भी वो रहता है, जहाँ वो जा रहा है वहाँ वो क्या करता था, उस पर्टिकुलर एरिया में वनोपज संग्रहण करता था, उस एरिया में वो शिकार करता था, अपनी भोजन की व्यवस्था करता था और अपना जीवन व्यतीत करता था। धीरे से उसने कृषि करना सीखा, तो इस कृषि ने उसे क्या प्रदान किया, स्थायित्व प्रदान किया। ये जो कृषि है वो इसे हम दो प्रकृति के आधार पर हम इसे दो भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन सी कृषि होती है, एक तो स्थानांतरित कृषि होती है और दूसरा क्या होता है, स्थायी कृषि। जो स्थानांतरित कृषि है इसे हम अस्थायी कृषि भी कह सकते हैं और इसे ही और क्या कहा जाता है, झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, तो स्थायी हम बात करते हैं स्थायी कृषि की। तो स्थायी कृषि क्या होता है कि एक भूमि विशेष पर, मतलब कि किसी निश्चित भूमि पर उसकी जुताई करके उसकी बुआई करना और उसकी सिंचाई करना। ठीक है, जब किसी निश्चित क्षेत्र पे या किसी भूमि विशेष पे यदि आप जुताई कर रहे हो, बुआई कर रहे हो, सिंचाई कर रहे हो और वहाँ पर खेती कर रहे हो तो उसे क्या कहा जाता है, स्थायी कृषि कहा जाता है। ठीक है, समय एक इसमें समय अवधि भी इम्पोर्टेंट होता है कि जब किसी पर्टिकुलर समय में आप एक ही जमीन पर जो कृषि कर रहे हो उसके बाद क्या होता है कि वो रिपीट मोड में चलता है। ठीक है, आप फिर से उसी जमीन पे क्या करते हो, उसकी जुताई करते हो, उसकी बुआई करते हो, उसकी सिंचाई करते हो, फिर से क्या करते हो, कृषि करते हो। ठीक है, तो इस कृषि में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लैंड होता है जो कहीं, और उसी लैंड में क्या होता है, बार बार कृषि होता है। ठीक है, तो ऐसी कृषि कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, गोंड जनजाति के लोग, मुरिया जनजाति के लोग और हलबा जनजाति के लोग। वैसे वर्तमान में आज के टाइम पे ऐसा प्रचलन हो चुका है कि क्योंकि लगभग मैक्सिमम जनजाति के लोग क्या है कि अब वो घर पे निवास करते हैं, उन्होंने अपना मकान खुद बना लिया है, तो वो स्थायी रूप से एक जगह पे रहते हैं और वो स्थायी कृषि करने लगे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की। तो पहले मनुष्य क्या था, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। वो क्या करता था कि अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए एक पर्टिकुलर लैंड पे वो क्या करता था, एक पर्टिकुलर लैंड पे वो कृषि करता था। वहाँ से वो जो भी उसे उपज मिला उसे वो ग्रहण करता था और वहाँ से वो क्या करता था, आगे निकल जाता था।
फिर वो कहीं रुकता था और वहाँ पर भी क्या करता था, उस पर्टिकुलर लैंड पे वो कृषि करता था। वहाँ से वो जो भी उसे उपज मिल रहा है, जो भी उसे खाद्य मिल रहा है, उसे वो ग्रहण करता था और वहाँ से वो निकल जाता था। ठीक है, तो कृषि जो हो गया, क्योंकि जमीन अब क्या है, अब भूमि जो है बदल रहा है, ठीक है, इसलिए, और भूमि का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। क्या अब इसका प्रोसेस क्या है, तो क्या होता था कि मनुष्य जहाँ वो जो मनुष्य था प्राचीन समय में, जहाँ वो निवास करता था, वो कहाँ निवास करता था, जंगलों में रहता था। तो क्या करता था, उस पर्टिकुलर एरिया का पहले वो जंगल के पेड़ों को काटता था, उस पेड़ों को वो जलाता था, और उसके बाद जो बची हुई राख होती थी, उस राख से भरी भूमि पर वो क्या करता था, कृषि करता था। ठीक है, क्योंकि ऐसी कृषि में उस पर्टिकुलर भूमि की जो उर्वरता शक्ति है, मतलब उसका जो फर्टिलाइजेशन है, वो क्या हो जाता था, कम हो जाता था, जिसकी वजह से वो एक या दो बार ही उस पर्टिकुलर भूमि पे कृषि कर पाता था। उसके बाद उसे क्या करना पड़ता था, उस भूमि को छोड़कर किसी दूसरी भूमि की तरफ स्थानांतरण करना पड़ता था। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कृषि होती है, जहाँ पर भूमि का स्थानांतरण होता है, उसे क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो चूंकि अब ऐसी कृषि कौन करेंगे, ऐसी कृषि उस जनजाति के लोग करेंगे जिन लोग कहाँ निवास करते हैं, पहाड़ी एरिया में निवास करते हैं। ठीक है, जो लोग हर दो तीन साल में क्या करते हैं, अपना निवास बदल लेते हैं, ऐसी जनजाति के लोग क्या करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जनजाति है जो लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, और उस जनजाति में उस कृषि को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अबू झमाड़िया के लोग जो स्थानांतरित कृषि करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पेद्दा कहा जाता है। बैगा जनजाति के लोग जो स्थानांतरित कृषि करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बेवार कहा जाता है। उसी प्रकार कोरवा जनजाति के द्वारा जो कृषि होती है, उसे दिवारी कहते हैं। कमार के द्वारा दाहिया, और भारिया के द्वारा दहिया स्थानांतरित कृषि किया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्थानांतरित कृषि का जो टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार नहीं, बहुत बार CGPSC में क्वेश्चन आया है कि विभिन्न जनजातियाँ जो हैं, उनकी स्थानांतरित कृषि का नाम क्या क्या है, वो लोग कौन से स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो देखिए, इनका नाम बदला है लेकिन प्रोसेस तो सेम ही होता है। ठीक है, इनकी बोली की विविधता के कारण इनका जो नाम है वो बदल जाता है, लेकिन प्रोसेस सेम होता है। स्थानांतरित कृषि का मतलब स्थानांतरित कृषि ही होता है। ठीक है, इसके अलावा भी भद्रा, गदबा, ये परजा, ये सारी जनजाति के लोग भी क्या करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, अबू झमाड़िया का क्या है, पेद्दा है, बैगा का बेवार है, कोरवा का देवारी है, कमार का दाहिया है, और भारिया का दहिया कृषि है। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी जनजातियों से रिलेटेड टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उसे डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।